लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। रविवार को जगदल में हुए घटना के प्रतिवाद में भाजपा द्वारा बैरकपुर को 12 घंटे का बंद बुलाया गया है। सुबह से ही बंद का व्यापक असर देखा गया। हालांकि बैरकपुर में भाजपा द्वारा 12 घंटे बंद को लेकर रेलवे को अलग रखा गया है, लेकिन सुबह 6 बजे काकीनाडा स्टेशन के एक नंबर लाइन अप ट्रेन रोक कर अवरोध किया गया भाजपा कर्मियों द्वारा, जिसे लेकर सुबह से ही सियालदा रानाघाट मेन शाखा में ट्रेन यातायात पर काफी असर पड़ा। बैरकपुर में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। घोषपाड़ा रोड के विभिन्न जगहों पर भाजपा समर्थकों द्वारा पथावरोध किया जा रहा है। इलाके में सभी दुकान पाट बंद थे। वाहनों की आवाजाही भी सड़कों पर कम दिखी। इसके अलावा शिल्पांचल में प्राय 12 जूट मिल को सुबह से ही बंद रखा गया। भाजपा कर्मी पर हमला हुआ क्यों, पुलिस प्रशासन जवाब दो। जवाब चाहिए, जवाब दो। विधायक पर हमला हुआ क्यों, पुलिस प्रशासन जवाब दो। जवाब चाहिए, जवाब दो। 100% सफल बंद। গতকালকে আমাদের জননেতা ব্যারাকপুরের সাংসদ শ্রী অর্জুন সিংয়ের উপরে পুলিশ কমিশনার ব্যারাকপুর যে আক্রমণ করেছে, উনি এখন হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার প্রতিবাদে যে বন্ধ চলছে সকাল 6টা থেকে, স্বতঃস্ফূর্ত অভূতপূর্ব বন্ধ। আমার মনে হয় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এই ধরনের বন্ধ কখনো হয়নি। মানুষ সরাসরি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জুন সিং আক্রমণের প্রতিবাদে আজ নিজেরাই সফলভাবে করছেন। कल ऐसा हुआ कि हमारे सांसद बीजेपी के सांसद श्रीमान अर्जुन सिंह, जब वो श्याम नगर में जब जा रहे थे ब्लड डोनेशन में, तो वहाँ कुछ तृणमूल के गुंडा लोग हमारा बीजेपी का पार्टी ऑफिस दखल करने का चेष्टा किया। हमारे प्रिय सांसद अर्जुन सिंह उनको दखल करने नहीं दिए, इसलिए उनके गाड़ी पर हमला हुआ। उसके साथ साथ उनके पर माथे पे चोट लगा पुलिस के लाठी से। उसके प्रतिवाद में आज हम लोग 12 घंटा बंद बैरकपुर पूरा 18 सिलाई हुआ है। हमारे सांसद अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा। उसी के प्रतिवाद में आज हम लोग यहाँ अवरोध किए हैं 12 घंटा। रेल भी बंद है और मिल बंद है, बाजार हाट बंद है, बस गाड़ी बंद है, सभी कुछ बंद है। आम लोग हमारे इस बंद के समर्थन किए हैं, समर्थन में एकजुट हैं।